जो भी इंसान ने इस मुल्क में दुनिया में कुछ भी किया है वो पहले ख्वाब से शुरू होता है। इंसान उतना ही बड़ा है जितनी उसकी ख्वाब है। मसलन अगर मेरी ख्वाब है ही ये कि जी मेरी एक अच्छी सी गाड़ी हो जाए, एक छोटा सा घर हो जाए, वो उतना ही बड़ा इंसान रह जाता है। अगर इंसान है कि जी मेरे बैंक बैलेंस हो, मेरी थोड़ी फैक्ट्री हो, वो उतना ही बड़ा है। कायद आजम क्यों आज तक हम उनसे प्यार करते हैं, कितनी बड़ी ख्वाब थी, कोई भी नहीं समझता था कि पूरी हो सकती है, कि मुल्क बना सकते हैं। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी बड़ा बाकियों से आगे निकलता है वो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने उसमें टैलेंट ज्यादा दिया है, उसकी सोच बड़ी होती है, वो टारगेट्स बड़े अपने आप को सेट करता है। तो जब मैंने फैसला किया कि हिंदुस्तान का मजा पाकिस्तान में तो हरा चुके थे, लेकिन हिंदुस्तान में जाके हराना उनके अंपायरों से, वो आप सोचें कि वो हमारे स्वाय उस जब हम जीते हैं उससे पहले और उसके बाद कुछ 17 साल के बाद वो हारे थे हिंदुस्तान में, यानी वो सिर्फ एक दफा थी जो कि वो हिंदुस्तान में अपने अंपायरों से हारे थे। 17 साल बाद हारे थे वो हिंदुस्तान। तो सच्चे इंसान और एक उसूल वाले इंसान, हमने आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखी, लेकिन कुछ आपको भी यूथ जनरेशन से उम्मीदें होंगी, वो उम्मीदें बताएं जो हम कर सकें आपके लिए ताकि एक अच्छा पाकिस्तान बन सके। मेरी यंग जनरेशन से सिर्फ एक उम्मीद है कि वो मेरे साथ मिलकर एक नया पाकिस्तान बनाए। वाह वाह जी। खान साहब के हवाले से करना चाहता हूं कि जहां इनकी शख्सियत के हवाले से ये बात करूं कि इस शख्स में पैसे का मीटर अपनी जात के लिए है ही नहीं, यानी इसको इनको कभी अपनी जात के हवाले से पैसे के एतबार से ऊंच नीच मैंने देखी है। मैं एक वाक्य थोड़ा सा सुनाता हूं कि मेरी बेटी की शादी में आए और मेरी बेटी की शादी में मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे तो मजे आ गए। मैंने पूछा क्यों, कहने लगे कि वो एक अखबार है, वो मुझे हर महीने मजमून लिखने पर 50,000 रुपये देगा। तो मैंने कहा फिर आपका क्या होगा, कहने लगे इन्होंने गिनाना शुरू किया कि मेरे 3 मुलाजिम हैं, उनकी ये 25,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी बिजली का खर्चा इतना है और 10,000 रुपये मुझे बच जाएंगे। ये 6-7 साल पुरानी बात है। जो आदमी इस अंदाज से सोचता हो इतने पैसा बहुत देखा हो, बहुत देखा है, इतने क्रिकेट से जुए का खात्मा किया हो, जिसकी वजह से तो खात्मा हुआ, वरना तो सब जुआरी मौजूद थे। 2002 के अंदर जब हम इलेक्शन हारे तो मुझे इनको अपनी गाड़ी बेचते हुए भी देखा है। तो अल्लाह ताला नवाजने वाला है जनाब। सही बात है ना, बिल्कुल सही। पैसे का मीट पाकिस्तान 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 इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान मेरी पहचान पाकिस्तान है मेरी जान पाकिस्तान 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 बहुत सारी तालियां जिंदाबाद। खान साहब आपके पास 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, सब खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें और फिर रुख्सत होंगे। आइए खान साहब, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए खान साहब के लिए। ऐसे कैसे पता चलेगा हीरो आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमें यकीन है आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच।